काजू स्वाद है। हेलो जी, नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और आज हम बनाएंगे आम की एक खास सब्जी जिसमें हम डालेंगे ब्रोकली, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। ये पता नहीं क्यों रखा हुआ है, मैं इसको रख के आता हूँ, फिर तब तक आप तैयारी करो। सिर्फ आम चाहिए और कुछ नहीं। कॉलिंग एंड एक्शन। मेरे को बोला गया हटाना नहीं है टोकरी को, इसे वो कैमरा में फोरग्राउंडिंग मिलती है, मतलब सुंदर दिखती हैं चीज़ें। चलने दो, आम ले आए ना, वो आम को बनाते हैं खास। इनका नाम है केसरी। तो सबसे पहले केसरी आम को लेते हैं छील, रंग अच्छा होता है इसलिए इसे केसरी कहते हैं साहब। वैसे तो मेरा फेवरेट है अल्फोंसो, लेकिन अगर कभी भी आपको रंग चाहिए उसके लिए केसरी बहुत अच्छा आम है। अगर आप आमरस बना रहे हैं तो केसरी के साथ आप उस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शेक बना रहे हैं तो उसमें एक दो केसरी डाल सकते हैं, रंग जो है वो निकल के आएगा। दूसरा क्या है ना कि जिस सीक्वेंस में मैंने आपको रेसिपी दी है उस सीक्वेंस के आम यूज़ करिए। ये ट्रिक जो हमको सिखाई थी शहर वाली समुदाय है एक, वहाँ पर लेडीज़ ने, वहाँ पर एक खास आम होता है मुर्शिदाबाद में, उसका नाम होता है कोहितूर, आमों का कोहिनूर कहा जाता है उसको। और वो आम जो है इतना प्रेशियस होता है कि शादी के बाद सबसे पहले कोहितूर छीलना सिखाया जाता है। और वो ट्रिक यही है कि भाई टिप यूज़ करें, टिप, जितना आप टिप से छीलेंगे उतना आम पतला छीलेगा। एक और ट्रिक है बट वो बेईमानी वाली ट्रिक है कि अच्छा पीलर ले लें, जो आलू छीलने वाला पीलर होता है ना, उससे भी बारीक बारीक आम छिल जाता है। चाहे आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, यह है रणवीर ब्रार स्कूल ऑफ चीटिंग से छिला हुआ आम। हम क्या गुठली गैंग के मेंबर हैं? हमारे पिताजी जो है वो गुठली गैंग के मुखिया हैं। एक गुठली 15 मिनट लगाते हैं। आम में थोड़ी शक्कर ऑप्शनल है, डाल दीजिए। इसके बाद आइए पल्प करना है, इसका पल्प जितना बारीक आप कर सकते हैं। बाकी गॉड इज ग्रेट। ये भी आपके लिए ना, इतना तो हम रखेंगे ख्याल। गुठलियां, आम के आम और गुठलियों के दाम है। अच्छा, आप लेना है पनीर, ठीक है। असल में अगर आप बनाते तो आप लेते दूध, दूध के अंदर आम को काट के डाल देते तो फिर आप उसको चलाते रहते और बन जाता मैंगो कलाकंद। लेकिन यहाँ पर चलाते रहते के चक्कर में वक्त बहुत निकल जाएगा, इसलिए आपको बता रहा हूँ एक शॉर्टकट। तो आधा हाथ से मैश करिए और आधा मिक्सी में घुमा दीजिए। मिक्सी में घुमाएंगे तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्रीमी हो जाएगा। लगभग 1 कप दूध, उसके अंदर 3 बड़े चम्मच शक्कर। दूध शक्कर को एक बॉयल देना है बस। पल्प आ गया, पल्प, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया पल्प किए हैं आप। हैं, बॉयल होने के बाद उसके अंदर हम डाल देंगे पनीर। देखिए, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार ये सब क्या करना है, कंडेंस मिल्क डाल दो। आप चाहें तो डाल सकते हैं। कुक नहीं करना है अभी ज़्यादा, पहले आम डालेंगे, क्योंकि अब और तो नहीं फटेगा ना, ये पनीर है, फटे हुए पनीर को आम क्या फाड़ेगा। अगर दूध होता तो दूध को आम फाड़ देता। आम जैसे जैसे पक के गाढ़ा होगा ना, कलाकंद में टेस्ट भी आएगा और जायका भी आएगा। सेम ही हो गया ना वैसे दोनों चीज़, टेस्ट और जायका, मतलब टेस्ट भी आएगा और टेक्स्चर भी आएगा, बाइट भी आएगी। आम की शुगर्स को कुक होना बहुत ज़रूरी है, वरना कलाकंद का टेक्स्चर नहीं आएगा। सो प्लीज़ लेट इट बॉयल ऑन अ स्लो फ्लेम। धीरे धीरे इसको बॉयल करें, बीच बीच में आके चलाते रहें, वरना आम कलाकंद बनने की बजाय कैरमल कलाकंद बन जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया।
रणवीर ने बताया था, धीरे धीरे इसको है चलाना और धीरे धीरे से इसकी ज़िंदगी में आना, वरना आम की शुगर जो है वो काली हो जाएगी। देखिए जी, ऐसे हंसते खेलते खाना बन जाए अच्छा है कि नहीं है? खाना बनाने में भी इतनी टेंशन लेके क्या फ़ायदा। अभी इसको स्लोली स्लोली ओहो, लिमिट ऑन द मैंगो। मज़ा आ गया साहब, आप रंग देखिए, धार देखिए। अगर केसरी आम डाला है, थोड़ा केसर भी डाल देते हैं ना, रंग बेटर हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ जाएगा। देखिए इसमें क्या है ना, शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं है मिठाई में। आमतौर पर मिठाई में जब हम शक्कर डालते हैं तो शक्कर की वजह से ही मिठाई गाढ़ी हो जाती है, राइट? यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर जो आम की शुगर है और जो थोड़ी सी शुगर हमने दूध के साथ पहले डाली है, सारी जिम्मेदारी उसकी है इसमें बाइंडिंग देने की। तो इसलिए थोड़ा वक्त दें और आम कलाकंद से थोड़ा इसको गाढ़ा रखें। सब बता दिया मैंने। बेसिकली क्या है ना, इसमें एक तो पनीर है और दूसरा लिक्विड। पनीर को ना देखें, लिक्विड को देखें। जब लिक्विड गाढ़ा हो जाए और चिपकना छोड़ दे, यानी कि लेस बनाने लग जाए, तब अपनी कलाकंद रेडी है। जैसा कि यहाँ पर ऑलमोस्ट अब रेडी है, एक मिनट का काम बचा है। ठीक है जी, हल्का सा नमक, क्योंकि हर मीठी चीज़ में नमक ज़रूरी है। हर नमकीन चीज़ में थोड़ी मिठास, हर मीठी चीज़ में थोड़ा नमक, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये सॉल्टेड कैरमल वाला फंडा तो अभी आया साहब, हम तो कब से खा रहे हैं सेब बूंदी है, जलेबी फाफड़ा, जलेबी पोहा, इसलिए मीठे और नमकीन को बिंदास मिलाएं। घी से क्या है ना, थोड़ा सेपरेशन आ जाता है छेने में और एक रिचनेस आ जाती है। और डालें तो बस बिल्कुल नाम भर का डालें, ज़्यादा मत डालें वरना घी घी आएगा मुंह में। कलाकंद ठंडी खाई जाती है ना, अगर बहुत ज़्यादा घी आप डाल देंगे तो फिर मुँह में वो घी घी चिपकता रहेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/4 से हाफ टी स्पून डाला है बस। अब ली एक ट्रे, ट्रे में भी लगाया थोड़ा घी। चलो जी, मुझे लग रहा है वैसे एक में हो जाएगा। आम, पिस्ता, थोड़ा सा इलायची पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, और केसर। भाई थोड़ा शाहीपन तो रखना चाहिए ना, आम है आखिर। अब ये जो अपना ये रॉ मैंगो पल्प है ना, ये समझ लीजिए बहुत काम की चीज़ है। दो मैंगो का पल्प हमने रखा था, उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप शक्कर, एक कप पानी। आप दूध भी डाल सकते हैं, अगर आम कच्चा है तो दूध ना डालें। वीगन मिल्क डाल सकते हैं, आमंड मिल्क डाल सकते हैं, कैजू मिल्क डाल सकते हैं, वो सब डाल सकते हैं आप, लेकिन दूध ना डालें कच्चे आम में, वरना मैंगो पुडिंग की बजाय मैंगो पनीर बन जाएगा फिर। अच्छे से बॉयल देना है इसको कुछ भी करने से पहले। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पल्प जो है वो लंपी है ना, पल्प में लंप्स हैं, तो टेंशन मत लीजिए, पक्के वो सेट हो जाएगा। और थोड़ा लंपी बुरा नहीं है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल रहा हूँ मैं, बिल्कुल थोड़ा सा। कंडेंस मिल्क एक तो फटेगा नहीं, दूसरा दूध की रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर, तीसरा कंडेंस मिल्क से बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। कंडेंस मिल्क जब पकता है ना तो बाइंडिंग बहुत अच्छी देता है, एक क्रीमी टेक्सचर भी देता है, बाइंडिंग भी देता है। एक मोल्ड लिया, कोई भी मोल्ड ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए चाहे, उसको हल्का सा बटर से लाइन कर लीजिए। खासतौर जहाँ पर ये बारीक बारीक कोने हैं ना, वहाँ ज़रूर अच्छे से लाइन कर लीजिएगा। एक तो ये काम हो गया, दूसरा 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, इसको करना है मिक्स। अभी क्या है, एक तो शुगर कुक होनी चाहिए प्रॉपरली। अगर ये पल्प की शुगर कुक नहीं होगी तो अपना टेक्स्चर अच्छा नहीं आएगा। और बहुत जल्दी 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 चलाते रहना है इसको, क्योंकि कॉर्नस्टार्च है ना, वो पकड़ेगा नीचे, ना लम्प्स आने चाहिए ना नीचे पकड़ना चाहिए, लेकिन बॉयल आ जाना चाहिए। ये ऐसी पुडिंग है कि ना इसमें अगार अगार है, ना इसमें जेलेटिन है, बस मौज ही मौज है। देखिए जब तक बॉयल नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसको बॉयल लाना ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्नस्टार्च जो है वो तभी एक क्रीमी टेक्सचर देगा जब वो उबल जाए। तो जितना बारीक स्टार्च होगा उतना वो जिलेटिनस करेगा, लेकिन उसके लिए उसको हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है।
और हाइड्रेशन जो है वो दो चीज़ों का फंक्शन है, टाइम और टेम्परेचर का। या ज़्यादा समय हाइड्रेट करें या ज़्यादा तापमान पे हाइड्रेट करें, तब उसका टेक्सचर अच्छा आएगा। पुडिंग के लिए एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, हर एक को नहीं बताते, क्योंकि आपने इसमें बटर डाला था और बटर इसमें जमा होगा। तो अगर आप चीट करना चाहें और लाइफ आसान करना चाहें तो गैस ऑन करके और थोड़ा पुडिंग नीचे से गर्म कर लीजिए, उसका जो बटर है वो पिघला लीजिए और जब ऐसे छूटने लग जाए प्लेट पे उल्टा कर दीजिए। ना जेलेटिन है, ना अगर अगर है, सेटिंग के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमने एक सिंपल फार्मूला यूज़ किया है। कोई नहीं कहेगा ना। देखो जी, वैसे तो मैं शो ऑफ करता नहीं ज़्यादा, आज थोड़ा मन किया कि थोड़ी अच्छी प्लेटिंग कर ली जाए, इसलिए कर ली। और बाकी मेन चीज़ क्या है, प्लेटिंग वेटिंग छोड़िए, ये जो इसका लुक लुपाना है ना, ये जो मामला है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पुडिंग का, राइट। और ये कैसे आया, सही प्रपोर्शन, सही अनुपात जो हमने यूज़ किया है कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर का, आप अरारूट भी डाल सकते हैं, अनुपात वही रहेगा, ठीक है जी। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेटिंग पे ना जाएं, अपनी अकल लगाएं। ये हम लोग शेफ़ लोग डराने के लिए, कई बार शो ऑफ करने के लिए ऐसी डरावनी प्लेटिंग वेटिंग कर देते हैं कि हमें भी काम आता है, वो टेंशन मत लो। टेक्सचर टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में। इसके ऊपर जो ये आम पड़ा हुआ है ना, ये चंकी आम, इसका जूसीनेस और कलाकंद का दाना, उसका जो कॉन्ट्रास्ट है वही इस डिश की मोनोपोली, ठीक है। तो इसलिए ऊपर से आम डालना मत भूलिएगा। अब मैंने बता दिया, अब आप ये नहीं कह सकते रणवीर आपने बताया नहीं, ठीक है। ऊपर से आम के डाइस डाले बगैर आम कलाकंद नहीं होता। उसके बाद मैं आइसक्रीम खा जाऊं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर द रेसिपी एंड डू मेक इट। दोनों में से एक तो बनाइए, हाँ, और एक में चार इंग्रेडिएंट हैं, दूसरे में तीन। सोचिए, इससे सिंपल रेसिपी मिल सकती है कुछ। मजा आ गया रणवीर ब्रदर, आई एम प्राउड ऑफ यू।